पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौरी आश्रम के तत्वावधान में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम से पूर्व उमरी सब्जीपुर स्थित बाबा नीम करौरी धाम में सोमवार को भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्यों के द्वारा पूर्ण विधि विधान से भूमि पूजन सम्पन्न कराया गया। इस दौरान भूमि पूजन के बाद सभी को प्रसाद वितरित हुआ। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौरी आश्रम के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट के तत्वावधान में इस वर्ष बाबा नीम करौरी का 7वां वार्षिक उत्सव स्मृति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ 24 अप्रैल को होगा और 28 अप्रैल को विश्राम किया जाएगा। आज श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौरी आश्रम पर भूमि पूजन किया गया, जो 5 दिवसीय प्रोग्राम चलने वाला है 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। उसी के उपलक्ष्य में आज भूमि पूजन किया गया, जो 5 कुंडी है यज्ञ की, आज भूमि पूजन किया गया। 5 कुंड तैयार किए जाएंगे, 5 कुंडियों के यज्ञ होगा काशी के ब्राह्मण द्वारा। कब से कब तक ये कार्यक्रम होगा? तो 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक, 28 अप्रैल को पूर्णावती होगी उस दिन भंडारा। क्या अपील करना चाहेंगे? सभी महानगरवासियों से अपील करना चाहेंगे कि इसमें आकर अपना बाबा का योगदान दें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा सबको अपने मनोकामना पूर्ण करें। बाबा नीम करौरी आश्रम के महासचिव राकेश गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे और नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, MLC गोपाल अंजान, जिला पंचायत अध्यक्ष शैफाली चौहान और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहेंगे। आज बाबा नीम करौरी आश्रम में भूमि पूजन किया गया है, जो प्रोग्राम 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक चलेगा। नुकसान बताओ क्या? और महाराज जी की प्रतिमा आ चुकी है और देवी देवताओं की प्रतिमा आ चुकी है। मुरादाबाद की इस पावन भूमि पर महाराज जी पधार चुके हैं, जिनका विधिवत रूप से 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक पूजन करके उनको विराजमान किया जाएगा। महाराज जी के भक्तों की बहुत बड़ी लिस्ट है जो मुरादाबाद आएंगे। कैची धाम से प्रदीप साहब भैयू जी भी आएंगे, हनुमानगढ़ी से सिंह साहब आएंगे, वृंदावन से देवेंद्र शर्मा जी का आने का है, और अभी 2 दिन पहले अमेरिका के अंदर जो महाराज जी के परम भक्त हैं मार्क जुकरबर्ग, उनसे भी कॉन्टैक्ट स्थापित किया गया है। आना तो उनका बहुत मुश्किल है, पर उनकी शुभकामनाएं किसी ना किसी रूप से आएंगी। तो वहीं बाबा नीम करौरी आश्रम के उपाध्यक्ष शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि धूमधाम के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के भक्तजनों को आमंत्रित किया गया है। दूर दराज से भक्तगण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और सभी धर्म लाभ कमाएंगे। आज नेशनल हाईवे पागोड़ा 0 पॉइंट से ठीक 5 किलोमीटर दूर सब्जीपुर गांव के ठीक सामने बाबा नीम करौली का आश्रम के अंदर भूमि पूजन 5 दिवसीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में किया गया। वहां 5 कुंडलीय यज्ञशाला तैयार की जा रही है और 24 तारीख से 28 तारीख तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। तो मैं क्षेत्रवासी महानगरवासियों से अपील करूंगा कि कार्यक्रम में आएं, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, बाबा का प्रसाद ग्रहण करें, धर्म लाभ कमाएं। धन्यवाद। जय बाबा की जय। श्री राम। ट्रस्ट के सचिव विनोद राय ने बताया कि सभी कार्यक्रम में पहुंचकर हिस्सा लें और धर्म लाभ कमाएं। साथ ही बताया कि भव्य आयोजन बाबा नीम करौरी का होना है, जिसमें सभी उपस्थित रहेंगे। आज भूमि पूजन किया गया, 5 कुंडी यज्ञ 24 तारीख से 28 तारीख तक होगा। ब्राह्मण के विद्वानों द्वारा मूर्ति स्थापना 28 तारीख को होगा और सभी नगरवासियों से और विशेषकर इस क्षेत्र के ग्रामवासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर और धर्म लाभ कमाएं और सहयोग करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।